अस्सलाम वालेकुम। आज हम TET एग्ज़ाम के तहत 2018 का फर्स्ट पेपर देखेंगे जो आपको TET एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कारामद साबित हो सकता है। ये आज फर्स्ट पेपर देखेंगे। इससे पहले हमने 2013, 2014, 2016 और 2017 का फर्स्ट पेपर देखा है जो आपको बहुत ज़्यादा कारामद साबित हो रहा होगा। उसका हमने एक तफसीली तौर पर पूरा जायज़ा लिया था। आज हम 2018 का फर्स्ट पेपर देखेंगे जो आपको TET एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कारामद साबित होगा। इस हिस्से में हम उर्दू के 2018 के फर्स्ट पेपर के सवाल देखेंगे कि 2018 के फर्स्ट पेपर में उर्दू के किस तरह सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल इस तरह है कि दर्ज ज़ैल इक्तिबास का बग़ौर मुतालआ कीजिए और दिए गए सवालात के मुनासिब जवाब तलाश करके लिखिए। यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है उसका हमें बग़ौर मुतालआ करना है और दिए गए सवालात के मुनासिब जवाब तलाश करके उसको टिक मार्क करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल इस तरह दिया गया है कि ज़बान की तदरीस का अहम मकसद क्या है। तो हमें ये ऊपर के पैराग्राफ पढ़ना है और इसका जवाब उसमें तलाश करना है। तो यहाँ पर सही जवाब है तख्लीक की तहरीक देना, तख्लीकी सलाहियत को जला देना और तरक्की देना। ये उर्दू ज़बान की तदरीस का अहम मकसद है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल इस तरह पूछा गया है कि तालीम की बदौलत तलबा अपनी कौन सी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जवाब दिया गया है जवाब नंबर एक क़ुव्वत मुदख़िला का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि कौन सी सलाहियत बास तलबा में मख्फी होती है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार फनकाराना सलाहियत मख्फी होती है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि तलबा की रहनुमाई के लिए ज़बान के मौलवी में कौन सी सलाहियत होनी चाहिए। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो क़ुव्वत मुदख़िला फनकारी और तख्लीकियत होना चाहिए। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि बाजी हाजी चाची इन अल्फाज की मुनासिबत से दर्ज ज़ैल से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर चार यहाँ ई हुर्फ इल्लत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि फ़ायदा मंद ज़रूरतमंद दौलतमंद इन अल्फाज में मन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो लायक़े कहलाता है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि मटकी बाजे टिम 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 मटकी बाजे टिम 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 ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से सही मुतबादिल मुंतखिब करें यानी टिम टिम टिम। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है कि तकरारे लफ्जी से जोर बयानी बढ़ गई है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि बचने की कोशिश करना कि मुनासिबत से दर्ज ज़ैल से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर तीन नज़र चुराना। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि ख्याल अल्ज़ाम तालीम इन अल्फाज के आखिर में अलिफ ते लगाने से इन अल्फाज में क्या तब्दीली होगी। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है ये अल्फाज जमा में तब्दील होंगे। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि दर्ज ज़ैल में से कौन सा मुतबादिल आमरिया जुमले की तारीफ बयान करता है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार वो जुमला जिसमें किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाता है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि हुर्फ़े तहजी में कुल कितने हुर्फ़े शमसी है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन 14 है। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि वो अल्फाज जिनसे हैरत खुशी गम खिताब गुस्सा या खौफ और अफसोस का इजहार होता है क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है
जवाब नंबर दो, हुर्फे फिजाइया कहलाते है। अब यहाँ पर सवाल इस तरह पूछा गया है कि हमें बेफायदा बातों से परहेज करना चाहिए खत कशीदा लफ्ज यानी बेफायदा की बजाय, दर्द ज़ैल से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, ला एतबार बातों से परहेज करना चाहिए। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि कुछ तो ख्याल कीजिए कि मैंने किस कदर मेहनत की है, जुमले की किस्म पहचानिए। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, मखलूत जुमला यानी ये मखलूत जुमला है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि थोड़ा दूध थोड़ी शक्कर और गिलास भर पानी मिल जाए तो फौरन शरबत बना दे, इस जुमले से सिफत की कौन सी किस्म वाजे होती है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, सिफत मकदारी जाहिर होती है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि माँ मुस्कुराई ये जुमला फेल की कौन सी किस्म वाजे करता है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर एक, फेल लाजिम को वाजे करता है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि सदीक लखब गालिब यानी क्या। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार, तखलीस। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि दर्ज ज़ैल में से कौन सा शायर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता था। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार, कृष्ण चंद्र। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि दर्ज ज़ैल में से कौन से मुतबादिल के वज़न को रुबाई का बुनियादी वज़न करार दिया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर एक, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि शहर तो मेरे साथ चल किसकी तसनीफ़ है, क्या है शहर तू मेरे साथ चल किसकी तसनीफ़ है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, निदा फालजी की है। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि ड्रामा निगार ड्रामा लिखने वाला कालम निगार यानी क्या। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, अखबार में लिखने वाला। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि हज्जाज का वाहिद क्या है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, हाजी। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह दिया गया है कि क्या हुस्न पाया है इस गरीब ने, जुमले की मुनासिबत से लफ्ज़ क्या से किस बात की वजाहत होती है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार, हुर्फे फिजाइया की वजाहत होती है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि दर्ज ज़ैल में से किस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, हजरत हिजर जब शहीद ना हो लुत्फ़ उम्र दराज क्या जाने। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि बच्चों को इल्म की तफहीम के लिए दर्ज ज़ैल में से कौन सा वसीला सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, समय व बसरी वसाइल। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह दिया गया है कि किस तरीक़े कार के तहत हासिल शुदा इल्म पायदार होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, तामीर इल्म का नज़रिए का तरीक़ा। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि दर्ज ज़ैल नज़्म का मुत्तला करें और दिए गए मुतबादिल में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए, यानी ये जो नज़्म दी गई है यहाँ पर इसका बग़ौर मुतला करना है और दिए गए मुतबादिल में से यानी जो चार मुतबादिल दिए गए हैं उसमें से सही जवाब का इंतखाब करके वहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर सवाल इस तरह पूछा गया है कि लफ्ज़ मौलिद का मतलब क्या है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, जाए पैदाइश। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि उर्दू ज़बान के पलने बढ़ने का बयान किस बात से वाजे होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, अफ़ाल वो रवाबित से। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि किस मुकाम पर उर्दू ज़बान शमा महफिल बन गई।
तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर एक, शायराना महफिल में। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि उर्दू जबान की वजह से किसकी अदा फहमी के काबिल बन गई। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार, हुस्ने फितरत। अब यहाँ पर हम बच्चों की नशोनुमा यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और तरीक़े तदरीस के सवाल देखेंगे कि 2018 के फर्स्ट पेपर में बच्चों की नशोनुमा और तरीक़े तदरीस के किस तरह के सवाल पूछे गए थे, उसका हम तफसीली तौर पर जायजा लेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल इस तरह पूछा गया है 2018 के फर्स्ट पेपर में कि विरासत से मुतालिक तख्लीक करते वक्त दर्ज ज़ैल किस माहिर नफ्सियात ने विरासत के उसूल पेश किए हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, ग्रिगर मेंडल ने पेश किए हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि मुख्तलिफ हालत की वजह से तलबा में इनफरादी इख्तलाफात पाए जाते हैं, इसलिए मौलिम इनफरादी इख्तलाफात की मालूमात हासिल करके तलबा की तदरीस करे, इस दौरान मौलिम को दर्ज ज़ैल में से कौन सी बात टालनी चाहिए। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर तीन, मखसूस हालत पैदा करने पर मखसूस किस्म की नशुमा हो सकती है, ये फ़र्ज़ करते हुए इस तरह कोशिश की जाए। यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि खारजी महजात के सबसे पहले होने वाले जहनी अमल से मुराद एहसास है। तो यहाँ पर सही जवाब इसका ये दिया गया है जवाब नंबर चार, एहसास मिले जुले नौयत के होते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि महज सामने ना होने पर भी साबिका तजुर्बात का जहन में इयादा कर सकना या वो तजुर्बात जहनी बसीरत से देख पाना से मुराद डैश है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, मुतकिला। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि गेस्टालेट के बसीरती नज़रिए के मुताबिक दर्ज ज़ैल में इदराक से मुतालिक कौन सा बयान गलत है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, शय के कुल से मुराद उसके हिस्सों की सादा सी जमा। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि फिल्म देखने के बाद दिनों बाद फिल्म का कोई मंजर हूबहू याद आना, पहले से देखा हुआ क्रिकेट मैच हमारे जहन में हूबहू नजर आना, ऐसा दर्ज ज़ैल में से किस तकलील की वजह से होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, एतेदादी तकलील। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि गौर व फिक्र करना सोचना एक पेचीदा अमल है, इसमें दर्ज ज़ैल में से कौन कौन से जहनी अमल शामिल है। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर चार, अलिफ बे जीम दाल, यानी अलिफ भी है बे भी है जीम भी है और दाल भी है। तो अलिफ में क्या दिया गया है, इतराक, बे में तसव्वुर, जीम में इस्तेदलाल वो तख्सीस और दाल में हाफिज़ा। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि दर्ज ज़ैल में से अमली गौर व फिक्र की इदराकी सतह की मिसाल कौन सी है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, महात्मा गांधी की तस्वीर देखने पर उनके लिबास रहन सहन से मुतालिक सोचना। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि हाफिज़े के अहम जुज़ क़ुव्वते मासका पर असरअंदाज होने वाले एक जुज़ से मुराद फ़र्द की जहनी साख्त, फ़र्द की जहनी साख्त में दर्ज ज़ैल से कौन सा जुज़ शुमार होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, जहनी बालिदगी ये जुज़ शुमार होता है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि क़ुव्वते मासका की पैदाइश करते वक्त दर्ज ज़ैल से कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल नहीं किया जाता। सही जवाब इस तरह दिया गया है जवाब नंबर चार, बाज़ ख़वानी का तरीक़ा। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि कोमेज और संघ की पेश कुर्दा
तहरीक की तारीफ में दर्ज ज़ैल से कौन सा बयान शामिल है? तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर दो, ज़ाती तसव्वुर को कायम रखने के लिए बर्ताव को मिलने वाली तहरीक। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि थर्स्टन ने लेसानी सलाहियत, याददाश्त, इल्म आदात, इदरा की रफ्तार, अंदाज़ा, खलाई इल्म और मसले का हल इन इब्तदाई नफसी सलाहियतों को मियार मानते हुए दर्ज ज़ैल से ज़हनत का कौन सा नज़रिया पेश किया? तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर तीन, कसीरुल मायल नज़रिया पेश किया है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि 1990 में जज्बाती ज़हनत का नज़रिया जान मेयर और डैश ने पेश किया? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर एक, पीटर सिलोही ने पेश किया है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि दर्ज ज़ैल ज़हनी कश्मकश कशाकशी के असरात से कौन सा असर नामुनासिब है? तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर दो, फ़र्द की फालियत में जोश पैदा होता है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि अजीम अशखास के साथ ली गई तस्वीर उनसे मौसूल शुदा खतूत दूसरों को बताते हुए अपनी छाप उदा लेने की कोशिश करने से मुराद डैश दफाई निज़ाम का इस्तेमाल करना है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार, शनाख्त का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि दो एक साई आमोजिशी हालत में नफ्स से मजबून इल्म तकनीक महारतें वगैरह अज्जा और मकासद में एकसानियत हो तो आमोजिशी मुंतकली होती है, एकसा अज्जा का ये नज़रिया किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया? तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया जवाब नंबर चार, थॉर्नडाइक ने पेश किया है। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि अहद तफलियत में बच्चों की समाजी महारतों की नशोनुमा के ज़िम्न में दर्ज ज़ैल से कौन सा बयान खसूसियत बताता है? तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है कि दूसरों की तवज्जा मुबजूल करता है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि आखिरी बचपन में बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के ज़िम्न में कौन सा बयान मुनासिब है? तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर एक, गुदूदी रुतुबियत की वजह से जिस्मानी ढांचे पर असर होता है। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि ज़हनी वो फुतीन बच्चों से मुतालिक दर्ज ज़ैल से कौन सा बयान नामुनासिब है? तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया जवाब नंबर एक, आम तलबा के जैसा ही निसाब तालीम इन्हें दिया जाए। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि शख्सियत से मुराद फ़र्द की हयाती अतिये से फ़र्द का ज़िंदगी गुजारने का अमल, शख्सियत की यह तारीफ किस माहिर नफ्सियात ने पेश की है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार, जे पी विंस ने यह तारीफ पेश की है। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि थायराइड खुदूस से थराकिंस का रसाव जब ज़्यादा तनासुब में होता है तो अफराद में दर्ज ज़ैल से कौन सी अलामत नज़र आती है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, ये अफराद बेचैन रहते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि आमोजिशी नज़रिए की जमात बंदी के वफाकी नज़रिए में दर्ज ज़ैल से किस माहिर नफ्सियात का शुमार नहीं होता? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर एक, गोथरी का शुमार नहीं होता। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि फ़र्द और उसके आतराफ के माहौल में हुए दौरान अमल से बसरती नज़रिया हासिल होता है और मसले हल होता है, ऐसी राय को हेलरे ने तजुर्बे करके पेश की, इसके लिए उसने किस जानवर पर तजुर्बा किया? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार, कबूतर पर तजुर्बा किया। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि दर्ज ज़ैल में
तदरीसी अमल की नौईयत बताने वाले बयान दिए गए हैं, उनमें से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया जवाब नंबर 3, तदरीस ये फितरी और आसान अमल है। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि ज़ाइल में कौन सी तदरीसी नमूनों में अपने आतराफ नामुनासिब सवालात का मुशाहिदा करना और किसी से मुतालिक बहस करना, गलत रिवायतों को अपनाते हुए लोगों से मुलाकात करना वगैरह बातों का ध्यान रखा जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 2, समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह दिया गया है कि आमोजिश से मुराद ऐसा अमल जो नए हालात में रद्द अमल देने का मंसूबा करता है। ज़ैल से किस माहिर नफ्सियात ने ये तारीफ पेश की है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 4, गेरेट ने पेश की है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह दिया गया है कि आमोजिश से मुतालिक ज़ैल में दिए गए बयानात से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर 1, बढ़ती हुई उम्र में होने वाली फितरी तब्दीलियाँ आमोजिश ही है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि दर्ज ज़ैल इंसानी बर्ताव की नशोनुमा के 3 सतह और इनके मिसालों की मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर 3, अलिफ का तीसरा, यानी अलिफ का तीसरा, बे का पहला और जीम का दूसरा, यानी जिस्मानी सतह, मुख्तलिफ महारतें पैदा करना, वकूफ़ी सतह, तखलीली क़ुव्वत की नशोनुमा करना, जज्बाती सतह, रुझान पैदा होना। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश के बावजूद हम तरक्की के जिस मखसूस हद से आगे जा नहीं सकते, आमोजिश के खते मनफी के इस मरहले से मुराद डैश है? तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर 3, जिस्मानी व जहनी हदूद। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि मैंने खेज लफ्जी आमोजिश में सबका मालूम को नई मालूम से मरबूत किया जाता है, यानी दोनों बातों को मरबूत करना अहम है। आमोजिश के दर्ज झैल किस नज़रिए में असोइल ने यह राय पेश किया है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 1, बा मैंने और हिदायती नज़रिया आमोजिश। अब हम इसमें 2018 के फर्स्ट पेपर में रियाजी के सवालात देखेंगे कि 2018 के फर्स्ट पेपर में रियाजी के किस तरह के सवालात पूछे गए थे, उसका आज तफसीली तौर पर जायज़ा लेंगे। तो यहाँ पर रियाजी में सबसे पहला सवाल 2018 के फर्स्ट पेपर में ये था कि 15 इस मुसलिसी अदद के बाद बिलतरतीब 5वें नंबर पर आने वाला मुसलिसी अदद का असास क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब है वो असास 10 होगा। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है, एक काम कुछ मजदूर कुछ दिनों में पूरा करते हैं, अगर मजदूरों की तादाद 4/5 गुना कर दी जाए तो वही काम मुकम्मल होने के लिए दरकार दिनों की तादाद पहले दिनों की बनिस्बत कितने गुना होगी? तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है वो 1.25 गुना होगी। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि रोमन हिंसों के हवाले से नामुनासिब मुतबादिल कौन से है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 2, सी तफरीक एम, ये नामुनासिब है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि जब मिनट की सुई 12 पर थी और वक्त देखा गया तो घंटे और मिनट की सुई में जाविये खैमा नज़र आया, मज़ीद 2.5 घंटे के बाद इन दोनों सुइयों में दर्ज ज़ैल से किस दर्जे का जाविया बनेगा? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 1, 165 दर्जे का जाविया बनेगा। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि दर्ज ज़ैल तवातिर में डैश के मुकाम पर कौन सा अदद होगा? 3, 10, 15, 26, 35, -63। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया जवाब नंबर 3, 50 अदद होगा। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि 176 सम मोहित वाले दायरे पर वाकई किसी 4 नुकात को जोड़कर बनाए गए मुरब्बे के ज़िले की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 1, 24, जजर में 2
होगी। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि अगर 13.5 मीटर लंबाई के दो रस्सियों को जोड़कर एक दोहरी डोर बनाई जाए तो, और इस दोहरी डोर के 1.5 मीटर लंबाई के मसावी टुकड़े बनाने हो तो इस दौर को कितने मर्तबा काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 1, 4 मर्तबा काटना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि एक अदद को 15, 11 और 12 इन अदद से तकसीम देने पर हर मर्तबा 4 बाकी बचते हैं तो वो अदद कौन सा होगा। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर 2, 2644 अदद होगा। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि बड़ी खौस में छोटी खौस 2.5 जमा 0.25 खौस बंद, छोटी खौस 4.25 माइनस 1.75 छोटी खौस बंद माइनस खौस में 6.5 माइनस 3.3 खौस बंद, छोटी खौस में 1.8 जमा 1.4 बटे छोटी खौस में 4.25 माइनस 1.75 माइनस 3.2 खौस बंद खौस में 1.8 जमा 1.4 जमा 2.5 खौस बंद। तो इसका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है इसका जवाब होगा जवाब नंबर 4, 1 जवाब आएगा। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि एक दायरे नुमा बाग में मौजूद मुस्ततिल नुमा मैदान की चौड़ाई 42 मीटर और इस बाग का रकबा 3850 मुरब्बा है, अगर इस मैदान के चारों राशि नुक्ते दायरे नुमा बाग के मोहित पर हो तो मैदान की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 1, 56 मीटर होगी। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि सोयता की माहाना आमदनी 10,000 रुपये है और वो आमदनी वेदिका की माहाना आमदनी आसिया के माहाना आमदनी के दुगना है तो आसिया की माहाना आमदनी कितनी होगी। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 2, 4,000 होगी। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि एक तालिब इल्म को 17 ब्याजे तकसीम करने का फैसला किया गया लेकिन हर तालिब इल्म को 28 ब्याजे तकसीम कर दी गई तो 352 ब्याजों की कमी लाहक हुई तो बताइए तालिब इल्मों की तादाद क्या होगी। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर 4, 32 होगी। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है मुतसिला शक्ल में मुसलिस की तादाद कितनी है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 2, 20 तादाद है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि 48 चीज़ें मसावी तौर पर तकसीम करनी हो तो उसे कितने तरीक़ों से बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 3, 10 तरीक़े से बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि दो हिंसी तमाम जुफ्त आदात और तमाम ताक आदात की हासिल जमा का फ़र्क क्या होगा। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर 1, 45 होगा। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि 12 और 101 खौस में 39 और 9 खौस में 111 और 11 और 247 और 19 इन में बाहम मुनफरिद आदात की कितनी जोड़ियां है। तो यहां पर सही जवाब है जवाब नंबर 3, 3 जोड़ियां है। अब यहां पर अगला सवाल पूछा गया है कि एक साल यौम महाराष्ट्र बरोज़ इतवार हो तो इसी साल यौम अतफाल किस दिन होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 3, पीर के दिन होगा। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है किसी मखसूस रकम के 7/18 गुना रकम वीर को या 2/5 गुना रकम विजय को या 3/8 गुना रकम सानिया को या 7/11 गुना रकम वीना को दी जाए तो सबसे ज़्यादा रकम किसे मिलेगी। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 4, वीना को मिलेगी।
यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि मोयन ये डैश होता है, इस बयान को मुकम्मिल करने की खातिर दर्ज ज़ैल से कौन सा नुक्ता नुकात दुरुस्त साबित होगा या होंगे। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर एक, सिर्फ अलिफ मुनासिब है, यानी सिर्फ अलिफ ये मुनासिब है, यानी मुतवाजुल असला होता है, यानी मोयन ये मुतवाजुल असला होता है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि बड़े खौस में एक सही 1/2 जमा खौस में 5/8 जमा 1/4 खौस बंद ज़रब 0.24 खौस बंद मसावी कितने। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, 1.29 होगा इसका जवाब। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है, मुतसिला शक्ल में दिखाए गए मोड के मुताबिक एक मुस्ततिल नुमा बॉक्स के डी के मुखालिफ सिमत में कौन सा हरूफ होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार, बी होगा। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि तीन संदूकों में बिलतरतीब 144, 112 और 192 ब्याजें रखी गई है, अगर इन ब्याजों के मसावी गट्ठे बनाने हों तो हर गट्ठे में कितनी ब्याजें लेनी होंगी। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, 16 ब्याजें लेनी होगी। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि 74.376 इस अदद के दाएं तरफ के 7 के मुकामी कीमत बाएं तरफ के 7 के मुकामी कीमत के कितने गुना है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर एक, 10-3 गुना है। यहाँ पर सवाल इस तरह दिया गया है कि मुतसिला शक्ल मोयन में ए मसावी डैश। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर एक, 20 दर्जे है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि 9 सम ज़रब 40 सम मुस्ततिली शक्ल के रंगीन कागज़ के दोनों वितरों को काट कर 4 परतें तैयार की जाए तो तमाम परतों का कुल अहाता क्या होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, 262 होगा। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि खौस में एक्स की दूसरी जमा एक्स माइनस 20/x जमा 5 खौस बंद मसावी 0 हो तो एक्स कितना। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर एक, एक्स मसावी 5। यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि सिर्फ 500 और 2000 रुपये कीमत की नोटों वाली थैली में 30,500 रुपये हों तो इस थैली में 500 रुपये के कुल कितने नोट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 4, 25 नोट हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि एक जाविये के मुकम्मिल और मुतमिम जाविये की पैमाइश का मजमू 170 दर्जे हो तो इस जाविये की पैमाइश क्या होगी। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 4, 50 दर्जे होगी। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि सवाल नंबर 19 और 20 के लिए हिदायत तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और दी गई मिसालें हल कीजिए, यानी ये तरसीम का मुशाहिदा करना है और दी गई मिसालें को हल करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल इस तरह पूछा गया है 119 कि माह अक्टूबर के तलबा की हाजिरी माह जुलाई के तलबा की हाजिरी के कितने फ़ीसद ज़्यादा है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, 20% ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि 5 महीनों की तलबा की फ़ीसदी औसत गैर हाजिरी क्या है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर 3, 26% गैर हाजिरी है। अब यहाँ पर इसमें हम मोहलती मुतला EVS के सवालत और उसके जवाब देखेंगे कि 2018 के फर्स्ट पेपर में मोहलती मुतले के किस तरह के सवालत पूछे गए थे। तो यहाँ पर मोहलती मुतले का सबसे पहला सवाल 2018 के पहले पेपर में जो पूछा गया था तो वो ये है कि इब्तदाई ज़माने में इंसान पर की मदद से ज़ैल के मुतबादिल में से किस पर लिखा करते थे। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, गीली ईंटों पर। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि तारीख के मुतैन के हवाले से पर एक इस लफ्ज़ का कतई मफहूम क्या है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर एक, साबिक़े है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि फ़र्द और इसके अहद के मद्देनज़र
मुनासिब ज़माने को तसलसल तरतीब ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर एक, वर्धान महावीर, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के आज़म। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने रखा है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार, मोहम्मद तुगलक ने। अब यहाँ पर अगला सवाल है, गुरु ग्रंथ साहब सिखों की मुकद्दस किताब में जैल से किसकी शायर शामिल है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, चुतनिया महाप्रभु की शायर शामिल है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि जैल में से मुनासिब बयानत कौन से है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर एक, सिर्फ अलिफ। अलिफ में ये बताया हुआ है कि आदिल शाही ने शाहजी राजा को सर लश्कर का खिताब दिया था। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि जैल के मुतबादिल में से मुनासिब शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का काबिल एतमाद कारिंदा नहीं था। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर दो, सलाबत खान। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि शिवाजी महाराज की मजलिस विजरा अष्ट प्रधान में से किसको जंगलों के मौक़ों पर लड़ाई में शिरकत होना पड़ता था? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर एक, अमानिया और सेक्रेटरी को। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली मर्तबा सूरत पर हमला करने की बुनियादी वजह कौन सी है? सही मुतबादिल का इंतखाब करें। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, शाइस्ता खां के 3 साल दौरे हुकूमत से स्वराज्य के नुकसान की भरपाई के लिए। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राजा छत्रपति ये नक्श किए बूट कौन से सिक्के ढाले गए? तो यहाँ पर सही जवाब दे गया है, सोने काहन और तांबे की शिवराई। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि ज़िला परिषद के कामकाज से मुतालिक मुनासिब बयान जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, ज़िले के तमाम पंचायत समिति के सभापति ज़िला परिषद के नामजद मेंबर होते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि भारत के दस्तूर के बुनियादी हुकूक जैल के मुतबादिल में से कौन से है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, हुकूक के तहफ़ के लिए अदावत से रुजू होने की आज़ादी। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि जैल के मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मुकाम पर वाक़ है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर एक, शिलांग में वाक़ है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि अक्वामे मुत्तहदा UNO से मुंसलिक कौन सी तंजीमें के अहम सदर दफातर वियना में है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, बैनुल अक्वामी एटमी तवानाई कमीशन। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि कपड़ों के ताल्लुक से नहीं आने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, हमरू। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि डैश साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, इसकी मुनासिब वजह ज़ैल में से कौन सी है? तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है यानी दोनों अलिफ और बे दोनों है। तो अलिफ में यह बताया हुआ है कि ज़मीन का झुका हुआ महवर और बे में यह बताया हुआ है कि ज़मीन की मदार की रफ्तार। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है, डैश पंजी कार्नवाल मसावी जेसलेम्बेर। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार, मरुभूमि का जश्न। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि भारत के मगरबी घाट की खसूसियात के ताल्लुक से नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, मिलाटगिरी इसकी सबसे बुलंद चोटी है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि रियासत महाराष्ट्र के अजला और इसमें ख़ास तौर से मिलने वाले मादानियात की मुनासिब नामुनासिब जोड़ी वाला मुतबादिल कौन सा है? जो नामुनासिब जोड़ी वाला, तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, कोंदिया और एवतमैर लोहे के मादानियात। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है
कि रियासत महाराष्ट्र के कौमी शहराए नहीं गुजरने वाले अजला का ग्रुप बताने वाला मुतबादिल कौन सा है। तो यहाँ पर सही जवाब देखें, जवाब नंबर एक परभनी, हिंगोली और लातूर। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि नक्शे से मुतालिक एक सा मसावी ऊंचाई को दिखाने वाले खतूत की खसूसियात वाला मुतबादिल कौन सा है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, एक सा ऊंचाई वाले खतूत में फासला ज़्यादा हो तो इस मुकाम पर ढलान की रफ्तार कम होती है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि ज़ैल के नबातात सुंदरी, कारिंदल और तेवरिया नबातात ख़ास तौर पर ज़ैल के मुतबादिल में से कौन से जंगलात में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, खार पोड़ी के जंगलात में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसानी के तौर पर जाना जाने वाला जूस ज़ैल के मुतबादिल में से कौन सा है। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जवाब नंबर दो, हारमोन्स है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि ज़ैल के मुतबादिल में से मुतादी बीमारियाँ कौन सी है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार, असीब और खारिज, ये मुतादी बीमारियाँ है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि तंबाकू खाने की वजह से ज़ैल में कौन से मुजिर अशिया पैदा होती है, ज़ैल में कौन सी मुजिर अशिया पैदा होती है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर चार, तीनों भी यानी अलिफ भी, बे भी और जिम भी, यानी ये अलिफ भी होता है, बे भी होता है और जिम भी होता है। तो यहाँ पे अलिफ में सबसे पहले बताया हुआ है निकोटीन और बे में है टार और जिम में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब इंसान के जिस्म के लिए मुजिर अशिया है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि ज़ैल के मुतबादिल में से नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, ख़ास तौर पर परिंदों में एक्स वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि आलू प्याज जैसे तरकारियों में अखवा निकलकर खराब ना होने हो तो इसके लिए ज़ैल के कौन से अमल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, गामा शुआओं को गुजरने का तरीक़ा, यानी गामा शुआओं को गुजारने का तरीक़े से आलू प्याज जैसे तरकारियों में अखवा निकलकर ख़राब ना हो तो इसके लिए ये अमल किया जाता है। कौन सा, कि गामा शुआओं को गुजारने का तरीक़ा किया जाता है जिससे ये आलू प्याज ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि ज़ैल के वजूहात और असरात के मायने के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करिए। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, अलिफ और बे दोनों मुनासिब है, यानी अलिफ भी मुनासिब है और बे भी मुनासिब है। किसके लिए, कि ज़ैल के वजूहात और असरात के मायने के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, यानी ये वजह है और ये असरात है और दोनों भी उसके लिए मुनासिब है। वजह क्या है, समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है और असरात क्या है, समंदर के पानी में तैरना आसान होता है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि माहौलियती निज़ाम में तजज़ियेकार इस जूस की खसूसियत कौन सी है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर तीन, माहौलियती निज़ाम की ग़िज़ा साजी में मदद करने वाला ग्रुप। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि देवरानी इसके तस्वूर के बारे में गैर मुतालिक बयान कौन सा है। तो यहाँ पर सही जवाब है जवाब नंबर दो, मजहबी सियाहत का मुकाम। इस तरह यहाँ पर 2018 का पहला पेपर ख़त्म हुआ। इस तरह के हमारे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और आगे के वीडियो देखने के लिए हमें कॉमेंट्स करें। थैंक यू।